बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, रेडी फॉर द न्यू लर्निंग? यस, क्लास 9 रेडी। आज हम बड़े अहम और बहुत ही मजबूत आप समझ लें कि अब क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम करने जा रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक यूनिक पार्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय करेंगे अगर आपने पूरा 5th और 6th चैप्टर कर लिया। प्लीज वो लाजमी कीजिएगा वरना ये तो आने ही आना है। यस, रेडी। 12x² - 75, 6x² - 13x - 5 and 4x² - 20x + 25। इसमें आपने एलसीएम यानी के लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है और तीनों यूनिक एक्सप्रेशन है, उनको बड़ा अच्छा और बेहतरीन अंदाज में समझिएगा और इनकी टेक्निक भी थोड़ी सी डिफरेंट। सबसे पहले आपने कॉमन देखना है, इसे हम कॉमन का है पहले 3, 4 - 12 and 3, 25 - 75। 3 इज द कॉमन, बिस्मिल्लाह करते हैं। 3 × 4x² - 25। जब दरमियान में दो टर्म हो, दरमियान में नेगेटिव हो और वो दोनों सेल्फ स्केयर रखते हो तो फौरन आपके जेन में a² - b² आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी इक्वल 3 × ब्रैकेट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें 2x² - 5² इक्वल 3। यस यस बोले, यस 2x - 5 and 2x + 5। गुड, दिस वन इज रिप्रेजेंट बाय a - b। इसको मैं थोड़ा सा लिख भी दूं ताकि आप भूल ना जाए, a - b × a + b। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपकी वर्किंग में नहीं आएगा। तो ये आ गया, इसे आप नंबर फर्स्ट दे दें। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ही है, एक्सरसाइज रिव्यू, इसके सेकंड एक्सप्रेशंस में देखें। अब इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग है, 6 × 5 = 30, 30 के आपने इस तरह फैक्टर्स बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं जिसमें आपका आंसर जो है वो 39। जब मिड टर्म ब्रेकिंग की आप लाजमी इसकी वीडियो देखिएगा, पर बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा 15x और 2x। अब चूंकि दोनों की सब्ट्रैक्शन से 13 आ रहा है तो ये रूल है पेयर का, जब दोनों की सब्ट्रैक्शन से आएगा तो इसका मतलब है जो पेयर आप बनाने जा रहे हैं वो ऑपोजिट साइन होंगे, यानी एक प्लस का और एक माइनस का। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का होगा वो मिडल टर्म्स का कोएफिशिएंट्स का साइन जो है वो डिसाइड करेगा। अब चूंकि ये माइनस है तो यहां ये माइनस और यहां ये प्लस लगा लें। इसी तरह हम देखते हैं आगे, 6x² - 15x + 2x - 5। ठीक हो गया। अब 5.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट पेयर के कॉमन देखिएगा, यह आ जाएगा 3x × 2x - 5। और सेकंड पेयर में देखें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन जब कॉमन ना हो, 1 तो कॉमन होता है और साथ ही इसका साइन प्लस है तो +1 होगा, अगर माइनस है तो -1। +1 × 2x - 5 2x - 5 × 3x + 1। ये आ गया हमारे पास सेकंड का, और याद रखिएगा इसे आप नंबर 2 लगाएंगे। सेकंड में आपने क्या किया, मिड टर्म ब्रेकिंग की। नंबर थर्ड में अब एक ये फॉर्मूला बन रहा है। यस, फॉर्मूला बड़ा आसान है, इसकी फैक्टराइजेशन a² + b² + 2ab। यस, इसी को हम देखते हैं। आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म देखें, अगर इन केस ऑफ ए डिसेंडिंग ऑर्डर वेरिएबल के लिहाज से आप देखें, 4x² जो है वो 2x² है और लास्ट में 5² है,
साइन को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, किसी भी सूरत पे साइन को डिस्टर्ब नहीं करना। अब जो मिडल टर्म्स हैं, ये मिडल टर्म जो है वो हमारी जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटीज है कि हमने 2ab इसे बनाना है और फिर हमने चेक करना है कि क्या वो वही मिडल टर्म है। 2 आपने लगाना है, ठीक हो गया। फिर फर्स्ट टर्म इंटू 2x और फिर लास्ट टर्म इंटू 5। बिल्कुल ये इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे कि ये मैं फिर आपको समझा रहा हूं यहां कि ये आएगा ए स्केयर माइनस 2ab और प्लस बी स्केयर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने ये नहीं देखना कि भाई ये कहां से सर ने ले लिया, तो फर्स्ट स्केयर लास्ट टर्म स्केयर और उसको डबल कर देना है। और याद हो कि ये आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्केयर। अब जब ए माइनस बी होल स्केयर है तो आपने इसका जो है वो 2x, इसका साइन और ये 5, इट्स अ होल स्केयर। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि ये मैं साइड पे भी कर रहा हूं, आपने बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में से प्रेजेंट करना है। तो ये ए यानी कि फर्स्ट माइनस इसका साइन, सेकंड इसका होल स्केयर लिखते हो। बिल्कुल इसी को आपने ज़हन में रख के आपने इसको फैक्टर्स बनाने हैं। इसे आप ले लें नंबर थर्ड। अब आ जाए एलसीएम, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसमें आपने कॉमन और जो नॉन कॉमन है वो दोनों फैक्टर्स आपने लेने होते हैं और कॉमन की मैक्सिमम वैल्यूज लेनी होती है। पहले तो हम नॉन कॉमन देख लें, ये 3 है, 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 स्क्वायर, ये तो कॉमन आ रहा है। इसे चले मैं साइड पे लिख सकता हूं, लेकिन आप पहले भी लिख लें तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है क्योंकि अभी हम नॉन कॉमन ले रहे हैं। फिर 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। फिर देख लो ये 3 आ गया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x माइनस 5 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। जो मैक्सिमम पावर होगी सिर्फ वही एलसीएम में आएगा और ये नॉन कॉमन आ गया। तो दिस वन इज कॉल्ड एन एलसीएम और बड़ा अच्छा और बेहतरीन पार्ट है जिसमें पूरे का पूरा 5th चैप्टर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाए हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू, उसका क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक, 5th में आए तो आपने ये फाइंड आउट करना है ACF, और आपको दो पॉलिनोमियल दी गई हैं x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x के प्लस 26x प्लस 56 एंड x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x के माइनस x प्लस 28। ACF गिवन है वो है x के प्लस 5x। आपने इसी तरह सॉल्यूशन इसी तरह प्रेजेंट करना है, LCM into ACF is a PX QX। ये relations आपने लिखोगे, 0.5 marks का होता relation, बहुत जरूरी है। ACF least common multiple, highest common factors, first polynomial and the second polynomial in a variable of X। अब हमने find out क्या करना है, अब ये देखें LCM find out करना है, तो LCM को आप यहां रहने दे, ACF को आप divide में ले जाए। फिर आपने px पूरी की पूरी टर्म लिखनी है, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल, ये मैंने ये सेकंड px कहा, और फर्स्ट को आपने qx कह लें, आप फर्स्ट को px कह लें, हमें कोई मुझे कोई इतराज नहीं है। acf जो है उसने गिवन दिया है, acf जो है वो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। क्योंकि ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पे डिवाइड करने का एक मेथड है। इसके फैक्टर बनते तो आप फैक्टर भी बना सकते थे, लेकिन वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वो बहुत ज्यादा जो है वो आप रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम्स में जाएंगे। तो बहरहाल उन्हें वैसे भी कहा है कि हमारे सिलेबस में भी है कि डिवीजन मेथड करना, तो आपने इनमें से दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये आ गया, और इनमें से हम लेते हैं x4, योर ओन चॉइस, ये आप मत करें कि आपने सर ये क्यों ली, आप अपनी मर्जी करें, प्लस 3x क्यूब प्लस 5f, आंसर वही आएगा प्लस 26x प्लस 56। आंसर्स के लिए आखिर में लाजमी देखिएगा कि इनमें क्या डिफरेंस क्या होता है या नहीं होता, उसके लिए भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल यहां तक पहुंचते हुए आप प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जितना भी आपने पढ़ लिया और जितना आप पढ़ने जा रहे हैं, और प्लीज इसको शेयर लाजमी कीजिएगा, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं। यस, थैंक यू। नेक्स्ट, अब इसको फर्स्ट टर्म को देखें, वन टू वन इनकाउंटर, एक्स फोर एक्स स्क्वायर, एक्स फोर
और एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड करना है, जो रिमेनिंग रहा वो आपने यहां लिख लेना है एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर को आपने इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है रिस्पेक्टिव लाइकवाइज टर्म्स के नीचे आपने लिखना है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स फोर यस प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फाइव एक्स फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर यहां स्क्वायर था सेवन एक्स स्क्वायर यस। नेक्स्ट पे अब अगर हम आए यहां भी यस यहां भी हमने स्केल लगाना है। थैंक यू जनाब लिख लिए मैंने आपकी आवाजें सुन ली है। ये होता है दिल से दिल की राह। इसका साइन चेंज करना होता है ये हो गया। साइन चेंज करने के बाद आप देखें कि फर्स्ट टर्म जो है वो डिडक्शंस में आती है और बाकी आ जाए तो आपकी लक है नहीं तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करें। थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब ये आ गया माइनस टू एक्स क्यूब। सब्ट्रैक्शन तो आती है ना यस अल्लाह तआला शुक्र आती होगी लाजमी बात है। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म्स पे। इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी साइन जो ये होगा वही आपने यहां शिफ्ट करना है। अब नेक्स्ट पे आपने क्या करना है टू एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को आपने डिवाइड कर देना। ये इससे कैंसिल हो गया हमारे पास टू एक्स रह गया। टू एक्स को आप यहां शिफ्ट कर दें गुड। अब माइनस टू एक्स को इन सब से मल्टीप्लाई करते हुए यहां आपने लिखना है माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस इज अ टेन एक्स स्क्वायर गुड शाबाश। इसी तरह चलते रहे माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय प्लस सेवन माइनस फोर्टीन एक्स यहां तक जाते हुए फिर हमने अगला क्या काम करना जब हम पॉलिनोमियल की सबट्रैक्शंस करते हैं तो उनके क्या बदल देते हैं साइन गुड। अब फिर इसके सबट्रैक्शंस में ला जाएं ये दो अल्लाह बख्शे गया दिस वन इज एट टेन और ये एट एक्स स्क्वायर यस प्लस फोर्टी एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स गुड माय डियर स्टूडेंट। आप फिर आ जाएं प्लस साइन है प्लस यहां लगाएं आप फिर एट एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दें यस एट आया यस एट को यहां लिखिए गुड। अब क्या करेंगे हमारा जो पॉइंटर या कर्सर होगा वो एट है एट को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे एट एक्स क्यूब। हाँ ये देख लेते हैं कि हाँ पूरा पूरा डिवाइड होता है और होना भी चाहिए भाई क्योंकि एसीएफ है ये याद में रखना यहां कोई भी जो है वो रिमाइंडर नहीं रहेगा प्लस फोर्टी एक्स प्लस फिफ्टी सिक्स गुड। इनके साइन चेंज करें हाँ हाँ लिख कर रहा हूं भाई कर रहा हूं इनको तीनों जो है वो सिंप्लीफाई हो गए। कितनी ये खुशी का वक्त होता है कि भाई ये सारा कुछ हो गया। अब व्हाट इज अबाउट एसीएफ यानी इन दोनों की आपने जो डिवीजन की तो हमारे पास आंसर जो है वो ये आया। अब आपने एलसीएम की तरफ आना है नाउ एलसीएम फर्स्ट पॉलिनोमियल तो लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ट्वेंटी एट और मल्टीप्लाई बाय क्योंकि इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। तो चूंकि आगे जगह नहीं है मैं आप समझे कि यहां लिखना है वो मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एट दिस वन इज एलसीएम। उम्मीद है कि बड़े आराम से सुकून से आपने सीखा होगा। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए उसे आप रिवाइंड करें रिवर्स करें देखें सीखें फिर भी कोई आपके जहन में कोई और कोई पार्ट हो तो प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में आए। स्टे इन टच अल्लाह हाफिज़।